अधर्म तो हिंसा का रूप है, अधर्म में भय है, अधर्म में डर है, अधर्म में मारा काटी है। अधर्म में तो सगरे अपराधी छिपे हुए हैं, तो अधर्म मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए। धर्मस्तु सुख रूपद्र का धर्म सुख देता है। धर्मार्जन मतः कुर्याद भोग मोक्ष प्रसिद्ध ही। धर्म के साथ जीवन जीने वाले लोगों को अंत में मोक्ष ही मिलता है, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। तीर्थांच तपसा प्राप्यम सुख अक्षयम सुन्नते ही। तीर्थों में जाकर के जो लोग वहां किसी भी प्रकार का अन्याय और अपराध नहीं करते। आजकल तो लोग तीर्थ में शराब पीते हैं, एक जनवरी को पाउच गिन नहीं पाओगे। तीर्थों में ये स्थिति हो गई, 31 तारीख को जाएंगे, मटर गस्ती करेंगे, उठपटांग काम करेंगे, इतना शराबी हो गया देश, युवान पीढ़ी गड़बड़ हो रही है, बड़ी लाज लगती है कहने में भी। इसमें बोला गया है कि जिसने तीर्थ में जाकर के अन्याय अपराध किया है भैया, वह यमराज की मार से बच नहीं सकता। 1000 चांद्रायण व्रत करने पर भी, 1000 चांद्रायण व्रत करे यदि तीर्थ में पाप करता है तो तीर्थ का पाप वज्र की तरह हो जाता है, उसके पाप कभी कटते नहीं। इसलिए तीर्थों में कभी शराब मत पीना, तीर्थों में कभी दुराचार व्यभिचार न हो, तीर्थों में जाकर के उल्टा पुल्टा कर्म न हो, नहीं तो यह लोक और परलोक सिगरे के सिगरे बिगड़ जाएंगे। ये तीर्थों की महिमा, हम 5-7 दिन का कार्यक्रम, 5 ही दिन का टाइम मिला है, श्रीधाम वृंदावन में कर रहे हैं। 29, 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2 5 दिन का कार्यक्रम विविध जगहों पर जाकर के, भांडीर वन में जहां राधा कृष्ण का मिलना हुआ था वहां पर 1 दिन का प्रवचन है, श्री गोकुल जी में है, वहां भी बद्रीनाथ केदारनाथ है। 5 दिन में 5 पॉइंटों पर तीर्थों की महिमा सत्संग टीवी के माध्यम से आप सुनेंगे। सुबह 9:30 बजे सत्संग टीवी पर कथा शुरू हो जाती है। आप टीवी में कितने मलूक लग रहे हैं, सुबह अपने अपने घरों में 9:30 बजे फिर इसको सुनिएगा कथा को। अभी तो संस्कार टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लेकिन यही कथा सुबह 9:30 बजे अपने अपने घरों पर, जहां कहीं छूट गई है, नहीं समझ में आई, शास्त्र से चिंतन पुण्य पुण्य से ही कथाएं तो बार बार सुने। कथा जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई सी ही लगेगी। हाँ, पुरानी होने पर भी सुनने पर नई लगती है, इसलिए तो उसका नाम है पुराण कथा। तो इन कथाओं को माध्यम से इनको जुड़ करके अपने जीवन का आनंद लाभ प्राप्त कीजिएगा। देह से और धन से पुण्य कमाइए, कर्तात प्रतिग्रह शाइव याजना च विदुत्ततः, अदेन्या दंत लेक्षादा ब्राह्मणो धनमर्जयेत क्षत्रियो बाहुवीरेण। वर्णन किया गया कि ब्राह्मण को दक्षिणा में जो धन मिला हुआ है वो बहुत पवित्र है। ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला हुआ धन, उसको बड़ा पवित्र माना गया। दक्षिणा में मिला है अपना परिवार चलाने के लिए, उसमें से 1 भाग निकाल दे, 3 भाग दान पुण्य में लगा दे, इतना थोड़ा सा निकाल ले बिल्कुल, जैसे बस परिवार का गुजारा चल जाए। ब्राह्मण के पास तो ज्यादा धन होना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मण के पास तो ज्यादा से ज्यादा धर्म हो, लेकिन वो भी चक्कर में पड़ गया है कि बगल में लाला जी की कोठी इतनी बड़ी है तो मेरी कमजोर कैसे हो जाएगी, तुम तो झोंपड़ी में ठीक हो। संतोष शब्द को नाक हाथ कान मुंह लगा दिए जावे तो ब्राह्मण है वह। भगवान ने कहा रुक्मिणी मंगल में कि जो ब्राह्मण संतोष के साथ जीवन का निर्वहन करता है, ये द्वारका का कृष्ण झुक करके उसको प्रणाम करता है। रुक्मिणी मंगल में भगवान बोले।